आप देख रहे हैं एनटीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। सीटू प्रदेशाध्यक्ष बजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बस किराया वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार लगातार जनता पर बोझ डालने का कार्य कर रही है। सीटू ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में की गई 25% वृद्धि और न्यूनतम किराए की दरें 5 से बढ़ाकर 7 रुपए करने के निर्णय के खिलाफ टीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर बस किराए वृद्धि को वापस न लिया गया, सीटू जनता और मजदूर वर्ग को लामबंद करके प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा और सड़कों पर उतरकर इस जन विरोधी निर्णय का ब्लॉक और जिला मुख्यालय स्तर पर विरोध करेगा। होश में आओ, महंगा सफर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल साथिया, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बस किराए में 25% की बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना महामारी के दौरान किराए में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस किराए में वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25% बस किराए में वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25% बस किराए में वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बस किराया वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार लगातार जनता पर बोझ डालने का कार्य कर रही है। भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के बाद बस किरायों में 50% वृद्धि हो चुकी है। न्यूनतम किराए में 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के समय बस किराया लगभग 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर था, जो आज बढ़कर लगभग 2.25 रुपए हो चुका है। न्यूनतम किराया 3 से बढ़कर 7 रुपए हो चुका है। यह सीधी लूट है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के भारी दामों की आड़ में बस किराया वृद्धि की है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले सालों की अपेक्षा भारी गिरावट है, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। यह सब केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई भारी एक्साइज ड्यूटी और प्रदेश सरकार के भारी भरकम वैट के कारण है। पेट्रोल डीजल की कुल कीमत का आधे से ज्यादा तो एक्साइज ड्यूटी और वैट ही है। अगर केंद्र और प्रदेश सरकार इसको कम करती तो बस किराए का बोझ जनता पर टाला जा सकता था। केंद्र और प्रदेश सरकार की बड़ी बड़ी निजी तेल कंपनियों से मिलीभगत का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों से भी मिलीभगत है। उसको थोड़ा ज्यादा करती है, फिर कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर लोगों को ठगती है, फिर उसको थोड़ा सा घटा देती है, 7 से 6 रुपया कर देंगे, 5 रुपया कर देंगे, लेकिन जो असल बढ़ोतरी है 25% की, उसको वो छूते नहीं है, उसको वैसे ही जारी रखते हैं। तो ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को जरूर अपने मन के अंदर, अंतर मन के अंदर झांकना चाहिए या सरकार कर क्या रही है। आज लोग परेशान हैं कोरोना में, वो कुछ राहत चाहते हैं। लोगों को रोजगार जाने पर कोई राहत नहीं मिली, उनको राशन नहीं मिला, उनको नौकरी की एवज में कोई रुपया पैसा नहीं मिला, उनके बिजली पानी के बिल माफ नहीं हुए, और उसके बजाय जो है 25% जो है किराए में वृद्धि कर दी। पूरे देश की अगर तुलना करें, पूरे देश में जो किराया है, सबसे ज्यादा किराया जो पूरे देश में है, हिमाचल प्रदेश उनमें से एक है। आखिर कितना ये लोगों को ठगना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आखिर ये लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। लोग जो है अंततः बसों में बैठना ही बंद कर देंगे। ENTV के लिए शिमला से अनिश चौहान की रिपोर्ट। उपमंडल ज्वालामुखी में आज 71वां वन महोत्सव गांव खरोटा पंचायत सेरा में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने अर्जुन का पौधा लगाकर इस वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उपमंडल ज्वालामुखी में आज 71वां वन महोत्सव गांव खरोटा पंचायत सिलह में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश द्वाला ने अर्जुन का पौधा लगाकर इस वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वन मंडल देहरा के अंतर्गत वन परिक्षेत्र ज्वालामुखी के अधीन सिलह गांव के खरोटा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 2500 पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए जाएंगे। आज 200 पौधे विभिन्न प्रजातियों के रोपित किए गए। मौके पर वन मंडल अधिकारी देहरा राजकुमार और साथ लगते वन इलाकों से अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रमेश द्वाला ने अर्जुन का पौधा लगाकर विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और लोगों को बताया कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वन महोत्सव अत्यंत जरूरी है। पर्यावरण जो है वो इन वनों के कारण ही हमारे
इस हिमाचल प्रदेश का ये संतुलन जो है वो बना हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से वृक्षों का कटान हो रहा है और ये पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं पे ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो कहीं पे ये जो है वो कहीं आसमान इतना मतलब वो भूमि का ये संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। इसमें फिर जा करके कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है और ये ही कारण है कि हम ये जो वृक्ष हैं इसका अवैध रूप से कटान कर रहे हैं, जिसके कारण ही ये संतुलन जो बिगड़ा हुआ। ENTV के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मनरेगा में सरकार ने कोई शर्त लागू नहीं की, बिना शर्त करोड़ों के विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन अब पंचायत चुनावों से पहले हर पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में यही जांच होगी कि कहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने सामग्री में कोई कटौती तो नहीं की। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मनरेगा में सरकार ने कोई शर्त लागू नहीं की, बिना शर्त करोड़ों के विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन अब पंचायत चुनावों से पहले हर पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में यही जांच होगी कि कहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने सामग्री में कोई कटौती तो नहीं की। अक्सर मनरेगा के कार्यों में आज तक मटेरियल में धांधली होती आई है, पंचायत चुनावों से पहले हर पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों की जांच होगी कि कितने प्रतिशत पंचायत प्रधानों से सही कार्य किए हैं। मनरेगा के तहत बने रास्ते और सड़कें 2 वर्षों के भीतर ही टूट जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस पंचायत में मनरेगा के विकास कार्यों में मटेरियल में धांधली हुई होगी, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मनरेगा के तहत हर पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन अभी भी कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में धांधली की शिकायतें पहुंच रही हैं। पंचायती राज विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं कि हिमाचल के सभी पंचायतों में मनरेगा में हो रहे या फिर पूरे किए जा चुके विकास कार्यों की पंचायत चुनावों से पहले समीक्षा की जाए। अगर किसी काम में धांधली पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। जिला मंडी के उपमंडल करसोग में रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया। ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों की सहायता से सिविल अस्पताल करसोग में भर्ती करवा दिया है। जिला मंडी के उपमंडल करसोग में आज सुबह रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 7:45 बजे रसोई गैस से भरा ट्रक, जो कि ऊना से करसोग गैस गोदाम तक पहुंचना था, जैसे ही ट्रक वहां सड़क पर खड़ा था, वहां नीचे से जमीन धस गई और ट्रक सड़क से लगभग 150 फुट नीचे जा गिरा। इस ट्रक में लगभग 306 सिलेंडर भरे थे। ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों की सहायता से सिविल अस्पताल करसोग में भर्ती करवा दिया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। SSI मोहन जोशी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक सिलेंडर से भरी गाड़ी जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे, ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा रहा था, बरसात के कारण कच्ची मिट्टी धंसने के कारण वो सड़क में नीचे सड़क से करीब 100 फुट नीचे खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चालक और परिचालक को उपचार के लिए CH करसोग लाया गया है, जिसकी छानबीन जारी है। ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अब समय होता है एक कमर्शियल ब्रेक का। एक 5 महीने की बच्ची का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शव गृह में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। कुल्लू सड़क मार्ग पर बजोरा पुलिस के पास व्यास नदी के किनारे एक 5 महीने की बच्ची का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शव गृह में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है।
मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में जहां सनसनी फैल गई है, वहीं अनेक तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जानकारी देते हुए पुलिस के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि बजोरा पुल के पास ब्यास नदी के किनारे से लगभग 5 माह की बच्ची का शव मिलने की जानकारी मिली है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। प्रदेश कांग्रेस ने बस किराया बढ़ाने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 23 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने बस किराया बढ़ाने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 23 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार ने यह किराया वृद्धि को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस इसके खिलाफ आमजन के साथ किसी बड़े आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह जन विरोधी है और जनहित में इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। शिमला के पुराने बस स्टैंड पर परिवहन निगम प्रबंध निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जयराम सरकार ने अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में 2 बार बस किरायों में 50% तक की वृद्धि का बोझ लोगों पर डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आपदा के समय केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, दोनों ही देश प्रदेश के लोगों को टूटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार ने मजबूर किया सड़कों पे उतरने के लिए। पिछले दिनों भी हमको जो है सचिवालय का घेराव करना पड़ा और उसके बाद सरकार जागी और थोड़ा जो बाहर से जिस ढंग से हजारों की तादाद में यहाँ लोग बगैर परमिशन के आ रहे थे उस पर रोक लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद जो जनविरोधी फैसला सरकार ने लिया कि 25% जो है बस के किरायों में बढ़ोतरी की, ये बहुत ज़्यादा है। ये 2.5 साल के कार्यकाल में ये दूसरी बार हुआ है। कुल मिला के 50% की जो वृद्धि हुई है, अब सरकार घाटे का रोना रो रही है। क्या घाटे की पूर्ति आप ऐसे समय में जब जनता खुद परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, क्या आप जनता से ऐसे समय में जब जनता को मदद की ज़रूरत थी आप जनता से वसूल करना चाह रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है तो उसमें हिमाचल का भी तो शेयर होगा। कितना शेयर है मुख्यमंत्री जी बताएं? और आपको जो लोगों ने चंदा दिया है, आप सरकार मदद करे लोगों की। पीएम केयर फंड में अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा कांग्रेस की सरकारों को स्थिर करने के लिए खर्च किया जा रहा है, विधायकों को खरीदने के लिए खर्च किया जा रहा है, या बिहार और पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब सड़कों में आई है, परसों हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि ये जो जन विरोधी फैसला है इसको वापस लें। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। चंबा के साहू गांव में विधायक पवन नैयर ने बूटा बेटी के नाम योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य इस वर्ष पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका को ट्री गार्ड और 20 किलो वर्मी कम्पोस्ट के साथ 5 पौधे प्रदान करना है। चंबा के साहू गांव में विधायक पवन नैयर ने बूटा बेटी के नाम योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य इस वर्ष पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका को ट्री गार्ड और 20 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ 5 पौधे प्रदान करना है। इस मॉनसून के मौसम में लगभग 300 ऐसी बालिकाओं को कवर किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान DFO निशांत मंडोत्रा की अगुवाई में वन प्रभाग चंबा के कर्मचारी और अधिकारी और जनता उपस्थित रहे। ENTV के लिए चंबा से पुनी शर्मा की रिपोर्ट। मंडी जिला में आज सुबह कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 1 मामला सरकाघाट मंडल और 2 मामले मंडी शहर में पाए गए हैं। मंडी जिला में आज सुबह कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 1 मामला सरकाघाट उपमंडल और 2 मामले मंडी शहर में पाए गए हैं। मंडी शहर से सामने आए एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भाजपा मंडी में प्रवक्ता है। इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति का विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काफी अधिक आना जाना है। उक्त व्यक्ति के कोरोना संक्रमित आने के बाद मंडी से लेकर शिमला तक हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि संक्रमित हाल ही में शिमला सचिवालय भी जाकर आया है। वहीं इनके कोरोना संक्रमित आने के कारण राजनीतिक और सरकारी कार्यालयों के लोगों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन भी कर लिया है। पुष्टि करते हुए DC मंडी ऋग्वेद सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला मंडी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें मंगवाई मोहल्ले में विश्वकर्मा मंदिर के समीप एक
34 वर्षीय दूसरा शहर के पैलेस कॉलोनी से 40 वर्षीय व्यक्ति और तीसरे मामले में सरकाघाट के बलद्वारा के भांबला के गांव गुरमछवाड़ का एक 46 वर्षीय व्यक्ति नोबल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भांबला से आया कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री है जो होम क्वारंटाइन में था। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे ENTV।